बहुत शुक्रिया और सबसे पहले तो इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर एट योर यूनिवर्सिटी. इट्स अ लवली कैंपस. मैं जब गाड़ी में आ रहा था I wasn't expecting such a huge expanse with buildings and you know it's a beautiful place. आप लोग जिस खत्ते में बैठे हैं सकाफत के लिहाज से तहजीब तमदन और हिस्टोरिकली बहुत ही रिच जगह है. मैं आपका अपना थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. मैं मंसिरा का रहने वाला हूँ. सो आई टुक टू द माउंटेंस. यू नो मैं भी जहाँ वहाँ पर जाके बूढ़ा की तरह बैठ के कॉन्टम्पलेट करता था. और मज़े की बात है अशोका की इन्होंने बात की. हमारे घर के पहाड़ी पे घर था, बिल्कुल पीछे अशोका के रॉक्स हैं जहाँ पे उनके जो फरामीन हैं वो कुंदा हुए हैं. सो बेसिकली आई ग्रू अप इन अ प्लेस विच इज़ आल्सो वेरी हिस्टोरिकली रिच. आई टुक टू एडवेंचर फ्रॉम अ वेरी यंग एज. घर में माहौल भी कुछ इस तरह का था कि फैमिली भी एडवेंचरस थी, घर में किताबें भी थी, किताबें पढ़ी, बाप के और दादा के किस्से सुने. तो शुरू में मेरे अंदर वो एक था, उसको क्या कहें आप, एक जज्बा था कि मैंने ट्रैवल करना है. और आई गॉट इन टू क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग एंड हाइकिंग एंड पैराग्लाइडिंग भी करता हूँ. मेरे काफ़ी हड्डियाँ भी टूटी हुई हैं, बट ये है कि आज तक मैंने अपने एडवेंचर्स को नहीं छोड़ा. मुझे जो आज लेक्चर का टॉपिक दिया गया है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. ट्रैवल एंड प्रेजुडिस, कि कैसे जो आपके तासब होते हैं या प्रेजुडिस होते हैं ट्रैवल से वो ख़त्म हो जाते हैं. तो कुछ चीज़ें जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं. और मेरे ख्याल में उसके बाद हम इंटरैक्टिव सेशन करेंगे. आप मुझसे सवाल करें, बड़े खुल के सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा. लेकिन थोड़ा सा जो टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेते हैं. मेरा एक मानसरा में रिश्तेदार है जी, पढ़ा लिखा है, बी ए किया हुआ, एम ए किया हुआ, लेकिन बहुत ही फजूल किस्म का आदमी है वो. अक्सर ऐसी बातें करता है कि बंदा कहता है यार ये क्या बोल रहा है. मज़े की बात है उसने बहुत कम ट्रैवल किया ज़िंदगी में. शायद वो पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर तक गया होगा, पाकिस्तान से बाहर तो गया ही नहीं है. बट तो एक दफ़ा बैठे हुए तो कहता है कि यहूदी बहुत बुरे लोग हैं यार, बड़े ख़राब हैं यहूदी, ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी बुराइयां करने लग गए. तो मैं सुनता रहा, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है. फिर मैंने पूछा, मैंने कह रहा आप कभी किसी यहूदी से मिले हो? मुझे कहा नहीं, मैं तो कभी नहीं मिला हूँ. मैंने कहा आप कभी नहीं मिले हो तो आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? कहते तो नहीं नहीं मुझे तो पता है, मैंने तो टीवी में भी देखा है और मैंने अखबार भी पढ़ी है, तो मैंने किताबें भी पढ़ी हैं. अब इफ़ यू लुक एट इट, इस बंदे का एक तासब है कि जी यहूदी बुरे लोग हैं, वेरी स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटिपिकल. ठीक है, अगर मेरे ख्याल में वो मुल्क से बाहर गया होता और किसी यहूदी से मिला होता तो शायद इतना वो स्टीरियोटिपिकल बयान ना देता कि सारे यहूदी बुरे हैं. क्योंकि जूडाइज़म तो बहुत बड़ा रिलीजन है, सो इज़ इस्लाम, सो इज़ हिंदुइज़म. तो सारे मुसलमान तो बुरे नहीं होते, सारे यहूदी भी बुरे नहीं होते, सारे हिंदू भी बुरे नहीं होते. सो उसका जो प्रेजुडिस था वो इसलिए था कि ही हैड सेकंड हैंड नॉलेज. सेकंड हैंड नॉलेज समझते हैं आप, एक आपका फर्स्ट हैंड नॉलेज, एक सेकंड हैंड नॉलेज आपको आता है, सुन लिया, किसी ने कह दिया, पढ़ लिया, यू नो दैट इज़ सेकंड हैंड नॉलेज, जिसकी ऑथेंटिसिटी कई दफ़ा ठीक भी होती है, कई दफ़ा ठीक नहीं भी होती. कई दफ़ा जो आपको बताता है उसके अपने प्रेजुडिसेस होते हैं, उसके अपने एजेंडाज होते हैं, राइट? तो आप जो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री तो कहते हैं ना, वो जो कॉन्करर्स होते हैं वो ही लिखते हैं. जो महकूम होता है या जो विक्टिम होता है वो हिस्ट्री कभी नहीं लिखता. तो जो हिस्ट्री आज अलेक्जेंडर को ग्रेट क्यों कहते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में अलेक्जेंडर ग्रेट कहीं से भी नहीं था, ही वॉज़ अ बिग बुचर, यू नो ही कॉन्क्रेट द वर्ल्ड. उसको एक ख्याल है मैंने दुनिया का फतह करनी है, तो उसने मार मार के इधर लोगों का बेड़ा गर्क किया. मैं तो उसको अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोन कहता हूँ, मैसेडोनिया का था. मैंने उसको आज तक अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं कहा, क्योंकि मेरे ख्याल में दुनिया को कतलेआम करने वाला आदमी ग्रेट नहीं हो सकता. ठीक है जी, तो फतवात करना इसलिए कि मैं बस फतवात करनी है डजेंट मीन एनी थिंग. तो जो आप तक हिस्ट्री भी पहुँचती है वो भी यू नो उसके भी अंदर भी लूप होल्स होते हैं. मतलब हर चीज़ को आप जैसे के तैसे बयान किए गए उस तरह नहीं ले सकते. इसलिए सेकंड हैंड नॉलेज के अंदर काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं. मेरा वो रिश्तेदार अगर ट्रैवल करता, बाहर जाता, किसी यहूदी से मिलता तो शायद इतने उसके सख्त ख्यालात ना होते इन लोगों के बारे में. लेकिन क्योंकि वो मंसिरा में ही रहा है, उसलिए उसकी जो सोच बहुत महदूद है, यू नो वेरी लिमिटेड थिंकिंग. वो कुएँ का मेंढक है, आपने तो सुना होगा ना, मुहावरा है उर्दू का कुएँ का मेंढक. तो जो कुएं का मेंढक होता है उसकी तो सोच यही होती है कि भाई ये कुआं है और यही मेरी दुनिया है और ये जो ऊपर नज़र आ रहा है यही आसमान है और ये मेरा सारा जहान है. तो जब आप कुएं के मेंढक बन जाते हैं तो आप
की सोच महदूद हो जाती है और उस महदूद सोच के अंदर फिर बहुत किस्म के तासुबात जन्म लेते हैं. यू नो, यू बिकम वेरी वेरी बायस्ड, यू बिकम कम्प्लीटली प्रेजुडिस्ड, फिर आप बिगेटेड भी हो जाते हैं. यू नो, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए आप क्या करें. यू नो, अगर आप कुएं का मेंढक बनना चाहते हैं तो अलहदा बात है कि मंसरे में करियाने की दुकान खोल के बैठ जाएं और बस सारा दिन जो इधर से सुना उधर से सुना वो ही आगे बयान कर दिया, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी से पूछे समझे, किस मतलब बस जो आजकल एक्चुअली बाय द वे हो रहा है. आप तो सोशल मीडिया जनरेशन हो, यही हो रहा है सोशल मीडिया पर, यही नहीं हो रहा. एक मीम आ जाती है, एक स्टेटस आ जाता है, सब लोग कहते हैं ये ठीक है, ऐसे ही है ना. कोई ये नहीं सोचता या समझता कि यार ये किसने ये मीम छोड़ी है, ये किसका एजेंडा है, ये क्यों ये लिखा गया है. आप उसी को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, ऐसे ही है. आपने कभी सोचा है कि ये जो कहा गया है जो भी हो इशू या टॉपिक या कि ये वाकई ठीक है या नहीं है. मैंने कई दफ़ा सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बाय द वे मैं थोड़ा ट्रैवल से हट गया हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिल्डिंग द केस फॉर दैट. मैं कई दफ़ा जानबूझ के अपने से झूठ मूठ के कोट्स बना के नीचे रूमी लिख के डाल देता हूँ, ठीक है. दिस इज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट बाय द वे. आप यकीन नहीं करेंगे कि नीचे जो कमेंट्स आते हैं, वाह वाह रूमी ने क्या खूब बात की है, क्या बात है रूमी की, ये वो. अब मज़े की बात है, जो ये लोग बात करते हैं उनमें से किसी ने रूमी को पढ़ा भी नहीं होगा. इसलिए अगर पढ़ा होता तो पता चलता कि रूमी की नहीं, मेरा झूठ मूठ का कोट है. तो ये तो हालत है, मतलब कि बगैर तहकीक किए हुए लाइक कर दिया. तो आपकी जो वो क्रिटिकल थिंकिंग है या जो आपके अपने ओपिनियंस हैं वो मैटर नहीं करते. आजकल कोई और आपका ओपिनियन बना रहा है, वो सोशल मीडिया है, वो जो बिग ब्रदर है, वो जो स्टेट नैरेटिव है या किसी का एजेंडा है, वो आपके ओपिनियंस को शेप कर रहे हैं. और वो जो सारी प्रेजुडिसेस आपके अंदर आ जाती हैं सबकॉन्शियसली, आपको नहीं पता चल रहा आपके साथ क्या हो रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड, यू आर बीइंग given opinions, ideas, and आपके जो prejudices इसी तरह पकेंगे. तो how, you know, what to do about it? तो मेरे ख्याल में जो मेरे लिए जो अपने as वजाहत मलिक जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है, मैं उसका आपके साथ तजर्बा शेयर करूँगा कि मैं कोई इस्लामाबाद कराची में नहीं पैदा हुआ किसी, यू नो, मैं मानसरा में पैदा हुआ. The only good thing was that I was born in an educated family, माँ की तरफ से, बाप की तरफ से भी, and I went to a good school. लेकिन शुरू से मेरे अंदर तजस्स था ट्रैवल करने का कि मैंने निकलना है, मानसरा इब्तबाद मेरी ज़िंदगी नहीं बनेगी, आई हैव टू ट्रैवल बियॉन्ड. वो जो पहाड़ नज़र आते थे ना, मुझे मेरा दिल करता था कि देखूं इन पहाड़ों के पीछे क्या है, चाहे वो साउथ हो नॉर्थ हो. मेरा उस ज़माने में भी बचपन में दिल करता था कि यार ये जो दूर बर्फ पोश पहाड़ हैं इसके पीछे, मैंने नाम सुने हुए थे गिलगित है, जगलोट है, यू नो, हंजा है, बड़ी है, बड़ा उस वक्त, अभी तो बड़ा इजी हो गया ट्रैवल, ज़माने में तो कुछ जाता ही नहीं था. तो बड़ा तजस्स था, इट वाज लाइक वेरी मिस्टिकल एंड मिथिकल एक्सपीरियंस टू लुक एट दोज माउंटेंस एंड सी व्हाट इज़ बियॉन्ड देम. साउथ में ठंडियानी नज़र आती थी तो मैं सोचता था इस ठंडियानी के पीछे क्या है. सो जो ट्रैवल का तजस्स था, इट वर्कड फॉर मी एट लीस्ट, कि जब मैंने पढ़ाई ख़त्म की, बी कॉम किया इब्तबाद से, फिर मैं निकल गया, फिर मैंने दुनिया देखने की शुरू की तो मेरी दुनिया ही खुल गई. मुझे याद है मैं पहली दफ़ा बी कॉम का एग्ज़ाम दे के जब लाहौर शिफ्ट हुआ तो सडनली मुझे नए नए आइडियाज़ का पता चला. मैंने किताबें डिस्कवर की, मैं लोगों से मिला, मेरे आइडियाज़ चेंज, कम्प्लीटली चेंज हुए. जो मेरे जो प्रेजुडिसेस थे ना, जो मानसरा इब्तबाद का एक लड़के के होंगे, वो कम्प्लीटली यू टर्न लिया उन्होंने. अच्छा, मुझे तो ये बताया गया था, अच्छा पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में तो ये लिखा हुआ था, या मुताला पाकिस्तान तो ये कह रहा है, लेकिन ये तो यार इस तरह तो नहीं हुआ था, तो गलत मुझे बताया गया, यू नो. सो अ लॉट एक्चुअली, वो कहते हैं चीज़ें आशकारा हुई कि यार नहीं, दुनिया में तो और भी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है वो. सो वो कहते हैं ना कि आपके जो फॉर इंस्टेंस पेट्रियटिज्म के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बड़ा फेमस हुआ है कि आप समझते हैं कि आपका मुल्क दुनिया में सबसे बेहतरीन इसलिए कि आप उसमें पैदा हुए हो. यू नो, जो पेट्रियाटिक लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, हाइपर नेशनलिस्ट जो आजकल ज़्यादातर लोग हैं, कि मेरा मुल्क सबसे बेहतरीन है. क्यों? Because you were born in it, that's why? No, nothing of the sort. तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये इसलिए होती हैं कि आपने नए, आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो आप नए तहजीबें नहीं देखेंगे, कल्चर्स नहीं देखेंगे, नए लोगों से नहीं मिलेंगे. यू नो, बचपन में होते थे अफ्रीका में जंगली होते हैं, आदमखोर होते हैं, यू नो, इस तरह की बातें जो, यू नो, जिनका कोई दूर दूर तक फैक्ट्स के साथ लेना देना ही नहीं है.
So when you travel, you gain what? First-hand knowledge. मैं इधर आया हूँ, अच्छा, मैंने अपनी आँखों से देखा, लोगों से मिला, सुना, टेस्ट किया, महसूस किया. वो जो असल में फर्स्ट हैंड नॉलेज है, वो आपको ट्रैवल से ही आता है, ना कि घर में बैठ के तो चार किताबें पढ़ लेने से. या मैं ये बात नहीं कहता किताबें नहीं पढ़नी चाहिए. विजडम आपको मिलती है मेरे ख्याल में किताबें पढ़ने से, ट्रैवल करने से और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करने से, लोगों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से बातचीत करने, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो है वो. लेकिन बात यह है कि हर कोई किताबें भी पढ़ता है, हर कोई ट्रैवल भी करता है, और हर कोई आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स करते हैं, यू नो दे. लेकिन यह है कि क्या यही चीज़ काफ़ी होती है? नहीं, यू हैव टू बी अवेक. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप टूरिस्ट की तरह गए कि मैंने वहाँ पे म्यूज़ियम में जाके तस्वीर भी खिंचवा ली, तो मैंने वहाँ पे जाके वो भी देख लिया, तो ये भी देख, सेल्फियाँ ले ली, फेसबुक पे डाल दी, जस्ट बिकॉज मेरी दोस्त गई थी हुंजा, तो मैं भी हुंजा जाके वहाँ पे सेल्फी लूँ. ये तो अब रैट रेस बन गया ना. दैट इज़ नॉट ट्रैवल. मैं ये ट्रैवल नहीं है, ठीक है? ये जो आप कह जाते हैं कि मैं जाके वहाँ पे बस हाथ लगा के टिक मार्क कर लिया कि मैं तो गिलगित भी गया हूँ, तो मैं हुंजा भी गया हूँ, तो मैं ये टिक मार्क करने से चीज़ें ट्रैवल नहीं होता. ट्रैवल इज़ व्हेन यू एक्चुअली बिफोर यू गो टू अ प्लेस यू लर्न अबाउट इट अ लिटिल. थोड़ा सा आप होमवर्क करते हैं, यार ये जगह क्या है, कौन लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका कल्चर क्या था, हिस्ट्री क्या थी, इनका मज़हब क्या है, इनका रहना सहना क्या है. फिर जब आप उस जगह पे जाते हैं तो आपको चीज़ें और खुलती हैं. अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा था, इस तरह तो नहीं है, यू नो. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक के हुंजा में पठान रहते हैं. मैं जब कराची, हैदराबाद या नीचे साउथ में जाता हूँ, यार ये अब तो नहीं, अब तो खैर आपको पहुँच के उधर, पहले मलिक साहब ये उधर सेफ है जी जाना उधर हुंजा में? मैंने कहा जी क्यों, हमने सुना उधर पठान रहते हैं. हैं क्यों, पठान क्या मतलब, पठानों से क्यों आपको डर लगता है? सर पता नहीं, एक प्रेजुडिस है ना. अच्छा, हुंजा में एक और तो मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया. तो आप सोचें कि आप, क्योंकि इस मुल्क में लोग अब तो खैर करते हैं, मतलब मैं ये नहीं बात कर रहा, अब तो हर कोई इधर उधर, लेकिन सब नॉर्थ में जा रहे हैं. लेकिन वो जो डिसकनेक्ट है हमारे मुल्क में अभी भी है. पठानों के बारे में लोगों का, पंजाबियों का एक टिपिकल, एक स्टीरियोटिपिकल वो उनका है कि पठान ऐसे 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 ऐसे. पठानों का पंजाबियों के बारे में, मैं जब हज़ारे का हूँ, हिंद को स्पीकर हूँ, पश्तो मैं ज़्यादा फ्लूड नहीं बोलता, तो मैं जब पेशावर जाता था, पेशावर जैसे अपने किसी DMC वगैरह लेने के लिए, तो उस पंजाबियाँ आंदे. वाल अगर मैं हूँ भी तो क्या यार, क्या करोगे यार? अच्छा, तो ये मतलब वो, अच्छा उसका हमें बलोचियों का नहीं पता, बिकॉज उधर तो बिल्कुल तो अलग का एक अलग कहानी है, उसको हम नहीं टच करेंगे. बट द थिंग इज़ कि हमें नहीं पता बलोच उधर क्या, उनको इशू हैं क्या, मसाइल हैं क्या, उधर मसला चल रहा है, बिकॉज मीडिया ब्लॉकेट भी है. सिंधियों का वही टिपिकल. अच्छा, मज़े की बात, अंग्रेज़ ने आके जब यहाँ पे गज़ेट लिखा, उसके अंदर उसने कहा कि सिंधी ऐसे हैं, बलोची ऐसे हैं, पठान ऐसे हैं, पंजाब. वो आज तक हम उसी अंग्रेज़ों के गज़ेट के ऊपर चल रहे हैं. हमने ये नहीं किया कि हम जाके पता करें कि यू नो व्हाई रिस्पेक्ट बलोच, यू नो फलाना फलाना, मतलब एक अजीब. सो द थिंग, द होल आइडिया इज़ कि हमारे अपने मुल्क के अंदर इतना डिसकनेक्ट है, बिकॉज वी डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. आप में से कितने लोग बलोचिस्तान गए? हाथ खड़ा करें. एक बंदा भी नहीं गया बलोचिस्तान. अनबिलीवेबल. सो आपको कैसे पता है कि बलोच लोग कौन है, और वो क्यों उधर इतना वो शोर शराबा मचा हुआ है और एक इंसर्जेंसी लगी हुई है? किसी को पता है क्यों बलोच इतना शोर मचा रहे हैं, और क्यों उधर जंग जदल और लोग गायब हो रहे हैं और मर रहे हैं? दैट्स इट. आप में से ज़्यादातर लोग हुंजा नॉर्थ गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आप गर्मी है, छुट्टियाँ होती हैं, तो उधर तो आप जाते हैं, इसलिए आपको उधर का पता है. सो हमारे मुल्क के अंदर इतना डिसकनेक्ट है, बिकॉज पीपल. एक दफ़ा मैंने मकरान में, वहाँ पे जो है वो ये स्याह फाम लोग हैं, वो शक्ल से अफ्रीकन लगते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रीकन. उनके जो आबाओ अजदाद थे वो अरब ट्रेडर्स के साथ आके मकरान साइड पे बसे थे. तो एक दफ़ा मैंने एक तस्वीर ली, एक बलोची था वो मकरान, उसको मैंने हुंजा में जाके दिखाया. मैंने कहा यार ये कौन बंदा है? तो उन्होंने कहा जी कोई अफ्रीकन है, हमें क्या पता कौन बंदा है अफ्रीका के. मैंने कहा किस मुल्क है? उसने कहा मुझे क्या पता है, सूडान, सोमालिया. मैंने कहा नहीं यार ये पाकिस्तानी है. तो हुंजा का जो लड़का था, ब्लू आइड और जो कि शक्ल से गोरा लगता है, कहते सर सवाल ही नहीं पैदा होता, ये किधर से, ये तो अफ्रीकन है. मैंने कहा तुम्हें नहीं पता हमारे मकरान में अफ्रीकन टाइप लोग भी हैं? उसने मुझे क्या पता है, मैं तो ऊपर पहाड़ों में रहता हूँ, वो नीचे साउथ में रहते हैं. सो उसके लिए ये बहुत अचंभे की बात थी. इट वॉज़ अ वेरी लाइक स्ट्रेंज फॉर हिम टू नो के हम पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल अफ्रीकन के जैसी है, ठीक है. सिमिलरली
जो लोग सिंध में रहते हैं वो इधर नहीं आते, आप में से कितने लोग, फाटा तो अभी खोला है ना उन्होंने, बनाया है पहले तो आप, हम तो उधर जाते ही नहीं थे, मैं तो बचपन में फिर वजीरिस्तान वगैरह घूमा हूँ बिकॉज मेरा कोई चाचा फौज में था, अदरवाइज हमें से हमें कहते इलाका खैर वो जी जिधर लोग कत्ल करके चले जाते हैं, द लॉर्ड डज नॉट, वाइल्ड वेस्ट जो होता था, ठीक है ना, तो हमें कबायलियों का नहीं पता, हमें नहीं पता था कि साउथ वजीरिस्तान और फलानी और एग्जाई एजेंसी बाजवाड़ ये इधर कौन लोग बसते हैं, बिकॉज नोबडी कुड ट्रैवल देयर, नोबडी कुड गो देयर, इवन आप इधर से लोग नहीं जा सकते थे। तो आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपकी आपको आंखें लग जाती हैं, आपको कान लग जाते हैं, आप एक्चुअली एक अच्छे इंसान बनने की तरफ जा रहे होते हैं, बिकॉज आपके जो सारे वो जो अंदर की आपकी एजुकेशन होती है, एंटरटेनमेंट होती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी बातें तो होती हैं, लेकिन जो आज के टॉपिक के मुताबिक हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, जो हमारे तासबात हैं, चाहे वो मज़हबी तासबात हों, रंग व नस्ल के बेसिस पे तासबात हों, या वो लिसानी तासबात हों, बहुत तासबात की तो एक बहुत बड़ी वो है ना, हर किस्म के आपके तासब होता है। आप ट्रैवल करें सीखने के लिए, समझने के लिए, किसी के कल्चर को जानने के लिए, असल सफ़र वो है। वो कहते हैं ना ट्रैवल और टूरिज्म में फ़र्क है, टूरिस्ट जो होता है वो कौन है, टूरिस्ट वो है जो के जाता है वहाँ पे, देखता है, तस्वीरें खिंचवाई, चार दिन पार्टी की, वापस आ गया। ट्रैवलर वो होता है जो वहाँ पे जाता है, ज़्यादा टाइम गुजारता है, जो उस जगह के बारे में रिसर्च करके जाता है और वहाँ से कुछ सीख के आता है, कुछ ले के आता है, कुछ इंसानियत अपने अंदर ले के आता है और कुछ विजडम अपने अंदर ले के आता है। आखिर में मैं इस बात पे ख़त्म करूँगा, फिर हम सवाल जवाब करेंगे। मार्क ट्वेन एक बहुत फेमस अमेरिकन राइटर था, उसने कहा था कि ट्रैवल इज़ फेटल फॉर बिगेट्री, पेट्रियटिज्म एंड क्लोज माइंडेडनेस। थैंक यू वेरी मच। जी सो हाउ डू यू You know, when you did your BCom and you started traveling and everything, how did you get the money for it? I don't come from a very rich family. Yeah. Right? I was 13 years old when my father died, but we were not poor as well. ठीक है? तो जब मैंने BCom किया तो मैंने माँ से कहा कि वालदा से कि मैंने अब मैं बस तंग आ गया हूँ, मन से मैं I'm done, you know. So I want to go to Lahore and अमेरिका जाने की बात तो बाद में हुई। तो शी सेड फाइन, ठीक है। तो उसने कहा कि ट्यूशन फ़ी मैं दूंगी, रहना खाना पीना वो आप जानो और आपके काम जाने। तो मैं जब लाहौर में तो खैर इशू नहीं था, जब मैं अमेरिका चला गया तो वहाँ पे सिर्फ मेरी माँ मुझे ट्यूशन फ़ी भेजती थी और बस, और वो भी कभी नहीं होती थी तो मैं खुद, तो मैंने पिज्ज़े भी डिलीवर किए हैं, मैंने बर्तन भी धोए हैं, मैंने क्या नहीं किया, ठीक। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, दिन को मैं कॉलेज में जाता था, मैंने गैस स्टेशनों पे काम किया है, तो दैट इज़ हाउ आई मेड माय लिविंग। एंड वो दिन और आज का दिन, आई वाज व्हाट 20 इयर्स ओल्ड व्हेन आई लेफ्ट माय होम, 20 साल का, और आज का दिन जो है मैंने फिर माँ से पैसे नहीं मांगे। सो यू नो आई मेड माई ओन मनी, आई डिड माई ओन थिंग, और इसलिए मैंने कहा कि पैसे भी नहीं मांगूंगा और बाकी जो है आप अपने ओपिनियंस अपने पास रखें, मैंने जो करना है वो मैं करूँगा। सो वो बात है कि आई ऑल्सो, मेरे अंदर थोड़ी सी बगावत भी है, सो यू नो मैंने कभी किसी को नहीं माना, चाहे वो सोसाइटी हो, घर वाले हो, फलां हो, मुझे पता था मैंने क्या करना है, मैंने वही किया और अच्छा ही किया है, शायद बुरा किया होता तो उसके नतीजे भी सामने आ जाते। जी सर, पाकिस्तान के अलावा और जगह में जी जी बिल्कुल, हाँ मैंने यार अपने इर्द गिर्द से शुरू करते हैं, मैं इंडिया भी गया हूँ, मैं अफ़गानिस्तान भी, ईरान, चाइना, यूरोप, अमेरिका, मतलब कोई 24 मुल्क मैंने देख लिए अभी तक, मैं गिने थे एक दिन बैठ के, तो मेरा दिल करता है कि मैं एटलीस्ट 70 तो देखूँ मरने से पहले। सो दैट्स द आइडिया, सो आई हैव टू सी एटलीस्ट 70 कंट्रीज बिफोर आई कॉन्क ऑफ। जी जो सबसे मतलब इंफॉर्मेटिव टूर था आपका, तो वो कौन सा था? सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव टूर, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव इन व्हाट वे, क्या मतलब? मतलब जहां से आपने बहुत कुछ सीखा। जहां से बहुत कुछ सीखा, मैं 8 साल अमेरिका में रहा हूं, तो मेरे ख्याल में वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव टूर तो नहीं था, मतलब वो तो मैंने इतना टाइम, और फिर अमेरिका में भी मैंने बहुत ट्रैवल किया, मैं एक जगह पे नहीं रहा, मतलब साउथ, नॉर्थ, हर जगह पे,
لائک آئی سیڈ کہ مجھے شوق تھا ٹریولنگ کا اور کلائمبنگ کا، تو میں بس ہر جگہ ادھر ادھر پہنچ جاتا تھا. وہاں پہ کافی ایجوکیشن ہوئی. یو نو وہی بات ہے کہ وہاں پہ اچھی بات امریکہ کی ہے کہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا، وہ میں نے بات کی تھی میرا رشتہ دار یہودیوں کو پسند نہیں کرتا تھا. امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ قومیں رہتی ہیں. مسلمان بھی ہیں تو فلانے بھی ہیں تو ڈمکانے بھی ہیں تو کالے بھی ہیں تو پیلے بھی ہیں تو پاکستانی انڈینز، ہر قسم کے لوگ رہتے. تو اٹس اے بگ میلٹنگ پاٹ. میرا ہمیشہ سے، میں تو ایک لیفٹ اورینٹیڈ آدمی ہوں، میرے سوشلسٹ آدمی، میرے تو کبھی کیپٹلزم والے خیالات نہیں رہے، لیکن امریکہ کی حکومت ایک علیحدہ چیز ہے اور امریکہ کے لوگ ایک علیحدہ، جس طرح ہوتا ہے ہر جگہ پہ لوگ اور ہوتے ہیں، حکومتیں اور کرتی ہیں. تو وہاں کے بڑے خوبصورت لوگ ہیں. وہاں پہ مجھے جو اچھا اس لیے سیکھنے کا موقع ملا کہ میں ہر رنگ نسل قوم کے بندے سے وہاں پہ ملا اور ڈیلی بیسس پہ ملتا تھا. یہ سلوواکین ہے تو یہ عربی ہے تو یہ فلانا ہے تو یہ یہودی ہے تو یہ اسرائیلی ہے. تو آپ کی انٹریکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اتنے کلچرز کے ساتھ، اتنے آپ چیزیں سیکھتے ہیں جو کہ آپ کو ایکچولی پھر واقعی ایک اچھا انسان بنانے میں مدد دیتی ہیں. یو نو تو وہ میرے خیال میں اس لیے زیادہ مجھے امریکہ بہتر لگا. وہ ٹائم میں نے گزارا وہاں پہ کہ وہاں پہ بہت دنیا ہے، دنیا ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ سیکھتے بھی ہیں، آپ سکھاتے بھی ہیں، آپ یو نو. But if you were born a girl, do you think you would have traveled that much? I don't think so. No? No. Not really. Like, coming from a Pakistani perspective, I guess not. It's tragic, it's sad, but agar main ladki paida hota Mansera mein, to shayad, phir wohi hota na, main BCom karta, meri phir shaadi kar dete. Phir mere bacche ho jate aur پھر کہاں مجھے موقع ملتا. یو نو لڑکیوں کا ہمارے معاشرے میں ایک سیٹ رول دے دیا جاتا ہے، چیزیں ڈیفائن کر دی جاتی ہیں ان کے لیے کہ بیٹا آپ تو ایڈونچرر کے در باپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایڈونچرر بنے گی، یا آپ جا کے وار زونز میں وار آپ کور کریں گی کرسٹینا مانپور کی طرح. یو نو یو لیکن یہ کہ ہاں اگر میں لڑکی ہوتا تو شاید جو آج میں کر رہا ہوں شاید نہ میں کر سکتا. سر آپ نے کافی جگہ پہ ٹریول کیا ہے، کوئی اس طرح کی بات آپ بتائیں، مطلب آپ کسی جگہ پہ گئے ہو اور آپ کا دل ٹوٹا ہو کہ یار اس ٹریول پہ بالکل نہیں آنا چاہیے. ہاں بالکل، ابھی میں ناران گیا تھا، میرا اتنا دل ٹوٹا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ناران کا اس لیے کہ دیکھو ناران تو ہمارے بیک یارڈ میں ہے نا، بچپن میں ناران جاتا رہا ہوں، جھیل سیف الملوک اور یہ ساری جگہیں اتنی خوبصورت اور صاف تھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب وہی جگہیں اتنی بدصورت ہیں اور گندگی سے بھری ہوئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ناران شہر کے اندر، اب تو شہر اس کو کہتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ گاؤں ہوتا تھا، چار دکانیں نہیں ہوتی تھیں وہاں، اب وہ شہر بن گیا. وہاں پہ کانکریٹ کے بڑے بڑے گندے ہوٹلز بن گئے ہیں، ریسٹورانٹس بن گئے ہیں، اتنا کچرا وہ پھینکتے ہیں دریا میں یا اتنا گندگی پھیلاتے ہیں لوگ، چاہے وہ ہوٹل والے ہو یا ٹورسٹ ہو، آپ سوچ نہیں سکتے. تو میرا تو بہت دل ٹوٹتا ہے یار، اور مجھ سے تو لگتا ہے کئی دفعہ غلطی ہوگی، میں نے 18 سال ڈاکیومنٹریاں بنا بنا کے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ پہاڑوں میں آؤ، اپنا ملک دیکھو. تو یہ جو رکشہ ڈائری میں نے شو کیا اس لیے کیا ہے کہ یار مجھ سوری اگر میں نے آپ کو بلا ہی لیا تھا تو یہ طوفان بدتمیزی تو نہ لے کے آتے آپ، نا انسان بنے، مطلب گندگی نہ پھیلائیں، آپ کے ساتھ جو فیلو ٹریولرز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ ایک گاڑی، ایک سڑک ہوتی ہے اس کے اوپر ٹریفک جام ہوتا ہے، تین تین چار چار لائنز بنا لیتے ہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ جی جی میرے خیال میں کوئک آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ولاگ ہے اور ڈاکیومنٹری وہی انسٹنٹ کافی میں اور اچھی کافی میں جو فرق ہوتا ہے، اٹس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. جو ولاگ بناتے ہیں وہ کوئک ہوتا ہے کہ دو منٹ میں انہوں نے اپنا سارا یہ پیش کیا وہ کیا اور وہ نکل گئے. پروڈکشن کوالٹی بہت خراب ہوتی ہے، کئی دفعہ ساؤنڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. فرق یہ ہے کہ ڈاکیومنٹری بہت
اس کی ڈیپتھ ہوتی ہے، اس کے اندر ریسرچ انوالوڈ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو آپ جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یو نو ولاگ از انسٹنٹ، کیونکہ آج کل کی جو آپ دیکھیں جو جنریشن ہے ان کو انسٹنٹ وہ چاہیے چیزیں. میرے پاس ٹائم اسپین کم ہے جی، اب دو منٹ سے زیادہ میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں. تو ولاگ کیٹرز ٹو دیٹ مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے واقعی، میں نے اس دن ایک ڈاکیومنٹری دیکھی ہے، اس کا نام ہے یوگوسلاویا، دا ڈیتھ آف یوگوسلاویا. وہ ایک گھنٹے کا تقریباً ایک ایپیسوڈ ہے اور اس کے کوئی 10 ایپیسوڈز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ آپ فلم دیکھیں، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یوگوسلاویا ایک ملک تھا، پھر وہ کیا ہوا، کیسے وہ ٹوٹا، اس کے اثرات کیا ہوئے، آج وہ کتنے ملک ہیں. رائٹ، ناؤ دیٹ از اے ڈاکیومنٹری فار می میڈ بائی اے ویری فیمس ڈاکیومنٹری فلم میکر فرام امیرکا. اب کوئی آ کے ولاگ کرے بوسنیا میں یا سربیا میں کھڑو کہ ہائی ایم ہیئر ہیئر ہیئر، تو بس ٹھیک ہے نا، پیچھے وہ نظر آ رہی ہیں، بڑا خوبصورت ہے، ادھر کھانا بڑا اچھا ہے، لال. لیکن یہ کہ آپ چاہتے کہ آپ کو ایک انسٹنٹ چاہیے، فکس چاہیے، یا آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دیکھنی ہے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، جس میں آپ کو دیکھنے بھی مزہ آئے، انٹرٹیننگ بھی ہو. سو فور می ڈاکیومنٹری از ڈیفینیٹلی مور ایجوکیٹیو، انفارمیٹیو اینڈ انٹرٹیننگ ایٹ ٹائمز، بیکاز ایٹ لیسٹ اس کے اندر پروڈکشن کوالٹی تو بہتر ہوتی ہے نا. از دیٹ اٹ؟ چلیں، تھینک یو ویری مچ، اٹ واز اے پلیزر، اٹ واز این آنر ٹو بی ہیئر اینڈ آپ سے بات ہوئی. I hope you learned something from my experiences.